हेलो अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। यार बिलाल भाई, मुझे 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है अकाउंट में। देखो अकाउंट में ही कैसे पड़ेगा यार, कैश है? कैश भी हाँ हो जाएगा, लेकिन मैं भी हूँ नहीं, मैं इधर आया हूँ। तो मैं बंदा बंदा भेज दूंगा वहाँ घर पे, कोई फॉरन ही। घर पे कोई भी नहीं है ना? कौन है फिर? घर पे कोई भी नहीं है, अभी हम सब इधर आए हैं ना, वो कहते हैं ढोलकी पे आए हैं। तो ढोलकी पे भेज दूंगा। 50,000 रुपये चाहिए भाई, दे सकते हो? नहीं है बताओ। अबे दे सकता हूँ लेकिन अभी नहीं है, दो तीन घंटे दो फिर मुझे। दुनिया हो जाता है वो सिटी में से तबेले कैसे पहुंचती है ये अभी तक समझ में नहीं आता। वो तबेले में होती है और आग लगी हुई होती है लेकिन जिस्म की गर्मी, ये मुझे बताओ ये क्या है? ऐसा होता है लोग बचते जिस्म की गर्मी से और नंगा होने की क्या जरूरत? मोबाइल देना यार। एंड देयर वी गो, हो गया। स्पीकर स्पीकर पर प्लीज रखना, हम भी सुन लें। ओके बीस नहीं 50 मांग लो। मुझे लगता है नहीं देगा। दे देगा। दे देगा। बोलो 5 मिनट के अंदर चाहिए। हाँ हाँ दे देगा। चलो इसने फोन ही नहीं उठाया, क्या देगा? घंटा। देगा देगा। देगा? चलो वापिस ट्राई करते हैं। हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हमें देकर ना जाए, है ना? तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? जी। क्या किसे दिया? मतलब अगर किसी को जरूरत हुई कुछ पैसों वगैरह की तो बिल्कुल हेल्प की है उसकी। और तुम कितना लाइक किसी दोस्त को कितना दिया होगा? 20-25 ओके 50 ओके। तुम्हारी एक दोस्त भी आई हुई थी ईशा जी, हाँ, तो उन्होंने काफी चीजें बोली। अच्छा। उनकी बेबी नहीं मिल रही है और वही चीजें दैट उनके साथ इनजस्टिस हुआ। हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है मतलब किस तरह का, क्या बोला उसने? कि बेबी उसकी जो थी उनके उसका साथ, जो बेबी था अब वो एक हफ्ता होता था, अब वो एक हफ्ता नहीं होता, सिर्फ 2 दिन होते। तो वो इधर आकर हमारे यहाँ बोल रही थी कि पाकिस्तानी यू नो उसके हस्बैंड वगैरह के बारे में, हाँ, कि वो जस्टिस नहीं मिलती और ये नहीं होता और यू नो। तो आपको क्या लगता है बीइंग अ मदर, लाइक शी इज जस्ट 25 और बेबी भी है और यू नो इतना कुछ देख लिया है। हाँ बिल्कुल, उसने यही ना बेचारी ने बहुत सारी चीज़ें छोटी सी उम्र में देख ली हैं और उनसे गुजर चुकी है। और फिर एक माँ के लिए तो बहुत मुश्किल होता है अपनी औलाद से दूर रहना। लेकिन उसकी बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि पहले उसने बोला कि शौहर जो है वो टॉर्चर करता है या इस तरीके का कुछ। हाँ, ऐसा हमने भी पूछा था, है ना? हाँ, फिर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और माफ़ी वगैरह मांगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आपने पहले किसी के लिए झूठ क्यों बोला, और अगर बोला ऐसा करता था तो फिर उसको क्यों आपने मना किया कि नहीं वो ऐसा मेरे साथ नहीं करता था, मैंने ऐसा कुछ किया। और देखें, हो सकता है इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो उसके हस्बैंड की तरफ से ही, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि आदमी जो है ना वो बहुत ही आजकल के, वो उसने क्या पता धमकियां दी हों या कुछ ना कुछ उसने ऐसा कुछ उसको बोला हो कि तुम ऑन एयर जाके ये बात बोलो, वरना हाँ। मैं क्या पता बच्चे की कोई ना कोई चीज, क्योंकि देखा मर्द जो है ना जो 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 माँ का दिल अपने बच्चे के लिए कटता है ना वो आदमी और उसका नहीं कटता, जो मर्द है ना उसका, मर्द का कटता है लेकिन कहीं और कटता है। काशिफ कॉल नहीं उठा, दूसरे उस को कर लो भाई, 50,000 आने चाहिए बस। मजाक कर रही हूँ, देखते हैं कौन। वैसे आप बताएं, ये जो इतनी हमने इतनी उठा लिया उन्होंने, हमने एक मिसाल सुनी है कि माँ फकीरनी अच्छी, बाप बादशाह बुरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। यार बिलाल भाई, मुझे 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है अकाउंट में। देखो अकाउंट में ही कैसे पड़ेगा यार, कैश है? कैश भी हाँ हो जाएगा, लेकिन मैं भी हूँ नहीं, मैं इधर आया हूँ। तो मैं बंदा बंदा भेज दूंगा वहाँ घर पे, कोई फॉरन ही। कोई भी नहीं है ना? कौन है फिर? घर पे कोई भी नहीं है, हम सब इधर आए हैं ना, वो कहते हैं ढोलकी भी आए हैं। तो ढोलकी पे भेज दूंगा। 50,000 रुपये चाहिए भाई, दे सकते हो? नहीं है बताओ। अबे दे सकता हूँ लेकिन अभी नहीं है, दो तीन घंटे दो फिर मुझे। सही है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। जानू फोन रख दो।
50,000 तुमसी नहीं ली, वाह बेचारा अच्छा दोस्त है, ढोलकी पर ढोल बजा रहा है, ढोल बजा बजा के 50,000। तो खैर ये जो गुफ्तगू चल रही थी वेरी नाइस, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ने तो इस वक्त में ऐसा दोस्त है, बहुत बड़ी बात। किसके साथ? अकेला अकेला दक्कियों के साथ। ऐसी कौन सी मजदूरी कर रहा है कि इस वक्त सो रहा है? वो सुबह सुबह जाता है, उसका मीट का काम है तो वो घरों वारों में गोश्त सो रहा होगा। गोश्त उफ मर्द और उनके गोश्त। हाँ दे आर द बेस्ट बुचर्स यू नो, मेन आर द बेस्ट बुचर्स। हाँ तो जो बात हो रही थी औरतों के बारे में, आप अपनी दो राय दे सकते हैं। मैंने सुना नहीं। आपने सुना नहीं? क्या बोला? मैं मोबाइल में लगा हुआ था। हाँ आप 50,000 दिमागी तौर से अरेंज कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि ईशा के हस्बैंड के बारे में, वो ईशा को जानते नहीं है। मतलब उन्होंने जो मतलब हाँ उसने अब एक लड़की मतलब उसने पहले बोला कि मेरा हस्बैंड मुझे टॉर्चर करता है, उसके बाद उसने बोला कि नहीं वो ऐसा नहीं करता, माफी मांग ली कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं झूठ बोल रही थी। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उसके हस्बैंड ने उसको धमकी दी हो, हो सकता है उसके बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ किया हो कि भाई ऐसा कर गया मैं दूंगा ही नहीं, या तो मैं मिलने ही नहीं दूंगा उससे, खत्म कर दूंगा। तो इस या तो ऑन एयर जाके ये बातें बोलो कि मैं ऐसा नहीं करता, तो इस वजह से शायद उसने ये सब बोला हो। आप बताए जब ऐसा कुछ ड्रामा हो रहा होता है ऑन एयर, यू नो डर्टी लॉन्ड्री लोग बाहर निकाल रहे होते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? नहीं बताना चाहिए, घर के कोई किस्से नहीं बताना चाहिए मीडिया पे बैठ के, है ना? आप खुद बदनाम होते, वो लोग समझते नहीं है ना, वो आपका साइड लेंगे ना वो बीच में आकर मजीद गंदगी करेंगे। क्या कीचड़ अपने ऊपर खुद उछाल रहे हो आप, अपना फैमिली मैटर है, आप फैमिली में बैठ के। हाँ दैट्स ट्रू। मुझे बताओ कभी तुम्हें प्यार हुआ है? फैमिली मैटर वो मटर तुम्हें प्यार हुआ है? नहीं, तुम भी इसी इसकी कश्ती पर हो। मेरे को कुछ नहीं होता, मेरे छाती में पत्थर है, दिल नहीं। नहीं प्यार तो नहीं। नहीं बुखार हुआ है? बुखार तो बहुत हुआ है, बुखार तो बहुत हुआ है। और कैसे हुआ है? बारिश में भीग भीग कर? मलेरिया का बुखार बहुत ज्यादा। मलेरिया या लवेरिया? मलेरिया लवेरिया। मुझे एक बात बताओ, ये एक सवाल है जो मैं हर इंसान से पूछती हूँ, जो पुरानी जमाने फिल्म होती है हाँ, उधर हीरोइन बारिश में उसको निमोनिया हो जाता है, वो सिटी में से तबेले कैसे पहुंचती है ये अभी तक समझ में नहीं आता। वो तबेले में होती है और आग लगी हुई होती है लेकिन जिस्म की गर्मी, ये मुझे बताओ ये क्या है? ये डायरेक्टर साहब का है बस और कुछ नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे होता है लोग बचते जिस्म की गर्मी से, और नंगा होने की क्या जरूरत? मतलब और एक बुड्ढा बाबा भी होता है, हमेशा एक बुड्ढा बाबा होता है जो बोलता है इसको जिस्म की गर्मी की जरूरत है, और बंदा बोलता है मैं जा रहा हूँ, ठंड लग गई है, ठंड लग गई। अरे तुमने कभी ये देखा और सोचा मैं ये हीरोइन हूँ? ना ना। हाँ नहीं नहीं, मेरे साथ अगर ऐसा होता भी ना तो मैं मरना पसंद करती कि मुझे ठटर ठटर के मरने दो और आप ठटर ठटर के मरने दो और निकल जाओ ठटर कर। ओके ऐसा ठगा ठगा और फिर ये वाला सिलसिला हो गया हो, तो कौन तुम चाहोगे कि कौन सा एक्टर आना चाहिए तुम्हें जिस्म की गर्मी देने के लिए? कौन सा एक्टर आना चाहिए? शाहरुख खान। शाहरुख खान को लगना चाहिए? शाहरुख खान आए और क्या कहते हैं काला कपड़ा बोलते हैं उसके अंदर, वो गर्म होता है, गर्मी होती है तो वो बस उड़ा दे। कहाँ से काला? काले कपड़े में गर्मी? कपड़े में गर्मी क्यों होती है भाई? भाई काले कपड़े में गर्मी होती है, क्यों होती है? हीटर होता है, आग लगी भी होती है उसके नीचे, कौन सा काला कपड़ा है जो इतना मोटा है, गर्म आता है? सुना है काला जो रंग है ना वो गर्म होता है, काला कपड़ा सारे काले गर्म होते हैं।